हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ पुष्पा और ये है बेदू, ये वेदांशी और मैं हूँ पुष्पा। हम मिलकर आज अपना जो है वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। हाँ, बात करने दो ना। आप सभी का बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद फ्रेंड्स। आप सबने मेरी बेटी के लिए खूब सारा ब्लेस भेजा, सभी ने मेरी बच्ची को ढेर सारा आशीर्वाद दिया दिया और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हिम्मत मिली आप सभी से। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करी है, जिन्होंने मेरी बेटी के लिए ब्लेसिंग भेजी है, वो उनके सबके बच्चे स्वस्थ रहे, मस्त रहे, बिंदास रहे। ये अब आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आप सभी से सामने से मैंने बहुत दिन से बात ही नहीं की थी। क्या हो गया बेदू? क्या हो गया बेदू? कहाँ ताता हो गई? इधर हो गई ताता, इधर हो गई ताता। तो सोचा थोड़ा सा आप सभी से बात कर लूं और आप सभी का मैं धन्यवाद कर दूं। तो बहुत धन्यवाद आप सभी को इतना हमें प्यार देने के लिए, इतना हमें सपोर्ट करने के लिए। और कई सिस्टर लोग मेरी जो है, मेरी बड़ी दीदी लोग हैं, वो लोग उन्होंने तो अपने बच्चे के बारे में मुझे बताया और कई ने अपनी प्रॉब्लम बताई, कई ने अपनी प्रॉब्लम नहीं बताई। तो मैं उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ भगवान से, भगवान बस वो बच्चे ठीक हो जाएं। और क्योंकि माँ और पिता का दिल एक ऐसा होता है कि बच्चे को थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो बहुत टेंशन हो जाती, बहुत टेंशन। पिछला एक हफ्ता मेरा बहुत ज़्यादा टेंशन में बीता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में बीता है। पर अब आप सबकी दया से, आप सबके आशीर्वाद से और भगवान की आशीर्वाद से विदु ठीक है और इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो जल्दी ही फर्क भी पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ मैं। और नवरात्रि पूरे 9 दिन मैं घर में ही थी, अच्छे से मैंने माँ की पूजा की है सुबह शाम अच्छे से। पर मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बनाई हूँ, बस नवरात्रि का लास्ट नवरात्रि का ब्लॉग मेरा जो है गया है। सारे कपड़ों को मुझे हाथ से धुलना है, ये देखिए। और आप सभी के तो सर्दियों के कपड़े, ब्लैंकेट जो धुलने थे धुल भी गए होंगे, रख भी चुके होंगे आप सब, सबके मैंने वीडियो देखे हैं, सभी मेरी सिस्टर जो है रख चुकी हैं। और मेरा ये काम सीधे 15 दिन लेट जो है शुरू हो रहा है, ये देख सकते हो आप। ढेर सारी क्लोथ पड़ी हुई है और 3 मुझे धोने हैं। एक ये वाला ब्लैंकेट धोना है जो कि मैं सर्दियों में यहाँ आगे बिछाया करती थी, आप लोगों ने देखा होगा, तो ये मुझे धोना है। और एक और ग्रीन कलर का है वो मुझे धोना है। एक हल्का सा ब्लैंकेट है हमारा, वो धोना है। तो एक दिन में एक साथ तो नहीं हो पाएगा मेरे से, थोड़ा ही करूँगी मैं, तो एक एक करके मैं धोऊंगी। तो ये देखिए कुछ कपड़े हैं, हस्बैंड के शूज़ हैं गंदे हो रखे हैं, वो शूज़ धोने हैं और कपड़े थोड़े से धोने हैं। और ये वाला ब्लैंकेट धोना है, ये वाला कंबल, ये कंबल धोना है। तो चलिए आज के वीडियो में पूरा और पूरा जो है क्लोथ क्लीनिंग ही है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर यदि फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन भी जरूर फ्रेंड्स की क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब पहले ही कर रखा है तो उनको बहुत धन्यवाद। और बेदू अभी सो के उठी है तो इसको मैं खिलाऊंगी कुछ, उससे पहले मैं इस कंबल को भिगो देती हूँ पानी में, सर्फ़ के पानी में, ताकि ये थोड़ा सा जो फूल जाएगा तो इजीली ये साफ़ हो जाएगा। वैसे तो इसे मुझे रात को ही भिगोना था पर मुझे रात को ख्याल नहीं आया, फिर अब मैं भिगो रही हूँ तो अभी भी 1-1.5 घंटे में ये अच्छा खासा जो है इसकी गंदगी जो है निकल जाएगी। तो इस तरीके के भारी कपड़े जब भी धोने हो तो उन्हें 2-3 घंटे सर्फ के पानी में भिगो देना चाहिए, तो ये अच्छे से फूल जाते हैं। तो मैं ब्लैंकेट भिगो आई हूँ और यहाँ देखिए मैं बेदू को खिला रही हूँ। तो बस इसको खिलाने के बाद फिर मैं घर के अपने पूरे घर का पोछा लगाया मैंने, और पोछा लगाया फिर मैंने अरहर की दाल चढ़ाई हुई है क्योंकि साथ के साथ खाना भी बनता जाएगा। और ऐसे ही मैं करती हूँ, क्लीनिंग वाले काम भी करती चलती हूँ और फिर उस दिन तो कुछ हल्का फुल्का ही बनाती हूँ। तो बस वही है, दाल रखी है मैंने और वो हो जाएगी, फिर मैं राइस रख दूंगी तो वही हमारा खाना होगा। और यहाँ मैं बेदू के कपड़े धो रही हूँ, तो बेदू के कपड़े पर मैं फ्रेंड बिल्कुल भी बुरुश नहीं मारती हूँ। कई कपड़े ऐसे होते हैं जो बाहर वो खेलने गई है मेरे साथ और मिट्टी में खेल दिए तो फिर थोड़ा बहुत मारना पड़ता है बुरुश, वरना तो मैं हाथ से ही साफ़ करती हूँ। और इस तरीके से लेगीज़ वगैरह पे भी मैं बिल्कुल जो है बुरुश नहीं मारती हूँ, सर्फ़ का पानी बनाकर उसमें आराम से इस तरीके से धो लेती हूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं कपड़े। हम तो डेली नहाते हैं, डेली धोते हैं तो इतने गंदे नहीं होते हैं कि बुरुस मारना पड़े।
तो बस यहाँ देखिए कपड़े मेरे धुल चुके हैं, ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे, तो बस कपड़ों को मैंने धो लिया। और इस तरीके से मैं खूब अच्छे से दो चार पानी खंगाल कर और नलके पे ही टांग दूंगी तो सारा पानी जो है निकल जाएगा। मैं कपड़ों को निचोड़ती भी बहुत कम हूँ, तो बस अब यहाँ मैंने नलके पे टांग दिया है, वो पानी देखिए निचड़ रहा है। और यहाँ मैं हस्बैंड के जो सॉक्स हैं वो साफ़ कर रही हूँ, तो सॉक्स पे तो भाई बुरुस मारना ही पड़ता है क्योंकि सॉक्स बहुत ज़्यादा ही गंदे होती हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड के सॉक्स देखिए मैंने साबुन लगाकर और इस पर ब्रश मार दिया तो ये साफ़ हो गया। बस इसको भी मैं धो लूँगी। बस कपड़े वगैरह धुल चुके हैं, अब बारी है कंबल धोने की। तो कंबल आज मैं बिल्कुल देसी तरीके से धोऊंगी। मैं चाहती तो मशीन में भी धो लेती पर क्यों मशीन के साथ रिक्स लेना, इस तरीके से आसान तरीके से घर में हाथों से पैरों से भी कंबल अच्छे धुलते हैं। तो यहाँ देखिए डेढ़ घंटे करीब ये कंबल मेरा अच्छे से सर्फ के पानी में फूल गया था और मैं पैरों की मदद से इसे मसल मसल कर देखिए धो रही हूँ और आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी निकला है। तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से कंबल ब्लैंकेट धुलते हैं फ्रेंड्स। तो बस ऐसे ही मैं तो धोती हूँ, मशीन में मैं बिल्कुल नहीं डालती हूँ। और यहाँ देखिए मैं अब पानी भर भर कर इसे खूब अच्छे से डुबा डुबा कर धोऊंगी तो जितना भी इसमें मिट्टी गंदगी है सब साफ़ हो जाएगा। और उसी पानी में फिर मैंने हस्बैंड के सूज अच्छे से रगड़ दिए, सूज़ में भी बहुत मिट्टी चढ़ जाती है। आजकल गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है ना, तो सूज़ हो गए सॉक्स हो गए बहुत ज़्यादा ही गंदे होते हैं। यहाँ देखिए कम से कम मैंने इसको ना टब भर भर के 4 से 5 बार पानी में कंबल को मैंने डुबो डुबो के धोया है, तब जाके ये जो कंबल है मेरा क्लीन दिख रहा है। तो बस अब ये लास्ट बार मैं क्लीन करूँगी इसको, उसके बाद मैं और बेदू नहाएंगे धोएंगे, फिर मिलते हैं नहाने के बाद। फ्रेंड्स हमारा नहाना धोना हो गया है, दिन के बज रहे हैं 12 और बहुत मेहनत लगी है कंबल को धोने में, मेरी हालत ख़राब हो गई है। और अभी पानी निचड़ने के लिए मैंने उसे टांग दिया है वहीं कि बाथरूम में ही। ये देखिए नहा धोकर माँ बेटी रेडी होकर बैठे हुए हैं और मुझे अभी जाना है छत पे कपड़े सुखाने हैं अभी, और वो कंबल भी सुखाना है। तो वो उसका पानी जितने अच्छे से निकल जाएगा ना उतना मुझे ऊपर लेके जाने में आसानी होगी, क्योंकि बहुत ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, 2 मंजिल के ऊपर है सुखाना। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैंने बेदू को नहला धुला कर और उसे क्रीम तेल जो भी लगाना था लगाकर रेडी कर चुकी हूँ, लेकिन वैसलीन की डिब्बी मिल चुकी है उसको। पानी में वो मेरे साथ काफ़ी देर तक खेल रही थी ना, तो इसलिए मैंने उसको सीने पर और थोड़ा सा पीठ पे पैर में वैसलीन लगा दी है। तो जुकाम खांसी का आजकल मौसम भी चल रहा है तो बच्चे को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। तो बस वो डिब्बी वो दे ही नहीं रही मुझे, वो लगा रही है उसे ही। और चलिए अब उसे खाना खिला देती हूँ। तो जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया आपको कि खाना भी मेरा बन रहा था और मेरा जो है कपड़े भी धुल रहे थे, तो यहाँ देखिए प्लेन दाल अरहर की और ये प्लेन राइस बेदू का फेवरेट है। और बस अब मैं भी तड़का नहीं लगाती हूँ, जैसे आपका बच्चा खाए फिर वैसे ही आपकी भी आदत हो जाती है। और अकेले रहो तो बहुत आलस लगता है कि सब्जी वगैरह क्या बनाना, तो बस मैं भी यही खा लूँगी और देखिए बेदू को भी खिलाऊँगी और बेदू को खिलाकर सुला दूँगी मैं, उसके बाद मैं छत पर जाऊँगी वरना इसे लेकर मैं नहीं जा पाऊँगी। तो बेदू आया सो चुकी है और करीबन बज रहे हैं दिन के 1 और ये देखिए मेरा ब्लैंकेट कितना चमक गया है ना, और ये देखिए इस तरीके से टांग दिया था मैंने। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप भी बिना मशीन के हाथ से पैरों से अपने ब्लैंकेट धो के सुखा सकते हैं इजीली तरीके से, बिल्कुल ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। और यहाँ छत पर आ गई हूँ मैं और देखिए कपड़े भी सुखा दिए हैं और ये देखिए कंबल भी सुखा दिया है, शाम तक सूख जाएगा, बहुत अच्छी धूप है। चलिए मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, वीडियो पसंद आती है एक लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स प्लीज़।